हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है साहब, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। कभी मन में सवाल आया है कि जो बाजार में आप व्हीकल की ऑन रोड प्राइस चेक करते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है जो मैन्युफैक्चर के एंड पे पड़ी है? आप कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं गाड़ी को ओन करने के लिए? नॉट ओनली द रोड टैक्स, पर कितना आपने जीएसटी पे करा, कितना आपने सेस पे करा, डीलरशिप के क्या मार्जिन्स थे? आई एम श्योर, अगर इस वीडियो को फॉलो करेंगे, यू विल बी शॉक्ड विद द काइंड ऑफ नंबर्स जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करेंगे साहब। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर मॉडल्स पॉपुलर कार्स हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा मोटर्स नेक्सॉन, ह्यूंडई क्रेटा एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर। स्विफ्ट का VXI मॉडल की प्राइसिंग आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे, जिसके अंदर एक्सशोरूम प्राइस है 619, ऑन रोड है 691। टाटा नेक्सॉन 920 का एक शोरूम है, कॉस्टिंग यू 10.44 लाख रुपीज़। क्रेटा 1346 की है, 1535 की पड़ती है, और फॉर्चुनर 3067 की है, 3566 की पड़ती है। अब साहब, जो ये प्राइसिंग है, ये दिल्ली की प्राइसिंग है। अब इसमें जो रोड टैक्स का कंपोनेंट है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कंपोनेंट है, पार्किंग फीस है, वो दिल्ली में एप्लीकेबल है। द अदर स्टेट्स मे इवन हैव अ हायर रोड टैक्स डिपेंडिंग ऑन द स्लैब्स, तो वो एक बात है, लेकिन दिल्ली को बेस लेके चल रहे हैं। अब आप देखो कितने आप टैक्स पे कर रहे हैं। ये रोड टैक्स है विच इज अप्लाइड फॉर मारुति स्विफ्ट, टाटा नेक्सॉन XM डीजल, ह्यूंडई क्रेटा XX पेट्रोल एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2। तो साहब, ये तो फर्स्ट कंपोनेंट है जो आपको प्राइस लिस्ट पे दिख जाता है, लेकिन पिक्चर तो अब शुरू हुई है। इसके बैकग्राउंड की कहानी क्या है कि कैसे एक कार का एक्शोरूम प्राइस डिटरमाइन हुआ, उस पर GST आपने कितना पे करा। तो साहब, GST के जो स्लैब्स हैं वो आप जान लीजिए, उस पर 28% बेस स्लैब है, उसके ऊपर सेस लगता है विच वेरीज फ्रॉम 1% to 22%। कुछ लोगों के मन में शंका थी कि भाई ये सेस GST के मल्टीप्लाई पे, यानी 28% का 1% है, विच इज 0.28%। तो साहब, लेट मी क्लियर विद यू, ये जो सेस अप्लाई होता है, दिस इज अप्लाइज ऑन द बेस प्राइस ऑफ द व्हीकल। बेस प्राइस क्या होता है? फैक्ट्री प्राइस, जिसमें मैनुफैक्चर के मार्जिन होते हैं, फेट होता है और ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है। उसी प्राइस के ऊपर कंपनीज GST कंप्यूट करती है, उसी प्राइस के ऊपर आपका सेस कंप्यूट होता है। तो कितना टैक्स आप पे कर रहे हैं वो अब आपके सामने ब्रेकअप करने वाला हूं, स्टार्टिंग विद मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI। ये गाड़ी का एक शोरूम है 619 एंड यू आर पेइंग अ GST ऑफ 1.29 लाख रुपीज, और सेस पे करते हैं विच इज अराउंड 5000 रुपीज, और इसके अलावा आपने रोड टैक्स पे किया। रोड टैक्स पे किया एक्शोरूम प्राइस पे, एक्शोरूम प्राइस में ऑलरेडी GST इंक्लूडेड था, और जो रोड टैक्स था MCD पार्किंग के साथ, इट वॉज अराउंड 48,000 रुपीज। तो देखा आपने कितना आपका टैक्स का कंपोनेंट बन गया। तो साहब, ये तो छोटी गाड़ी थी। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स टाटा मोटर्स नेक्सॉन XM डीजल, और ये गाड़ी के अंदर आप जो रोड टैक्स पे कर रहे थे वो तो एक पार्ट था, लेकिन जो GST आप पे कर रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 1,90,000 रुपीज। सेस इज 21,000 रुपीज, क्योंकि 3% है। इंश्योरेंस पे ऑलमोस्ट 4,500 रुपीज है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 2.15 लाख रुपीज विच यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ GST, और 85,000 रोड टैक्स था। तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज इज द अमाउंट यू आर पेइंग ऑन टाटा नेक्सॉन XM डीजल विच इज अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। क्रेटा पे मूव करते हैं साहब। क्रेटा का SX पेट्रोल वर्जन है, यू विल बी शॉक्ड, 2.5 लाख रुपीज GST ऑन द कार, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज इज अ सेस, ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज द GST ऑन इंश्योरेंस, दैट मेक्स टू 4.05 लाख रुपीज। एंड नॉट टू मिस इट, द रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस विच यू वर सपोज टू पे इफ यू आर बाइंग दैट कार इन दिल्ली। अगर सेम कार को आप कर्नाटक में बाय करेंगे, आपका जो रोड टैक्स है, इट वुड बी हायर टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख ऑफ रुपीज। तो सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाता है। और साहब, पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करते हैं। लग्जरी कार्स में क्या जाए, फॉर्च्यूनर की बात कर लेते हैं। दिल्ली में रोड टैक्स है साहब, वो तो है 3.85 लाख रुपीज, लेकिन जो GST आप लोग पे कर रहे हैं, जो सेस आप पे कर रहे हैं, उसके बारे में जान लीजिए। यू आर मोस्ट पेइंग अ GST ऑफ 5.5 लाख रुपीज एंड सेस ऑफ ऑलमोस्ट 4.3 लाख रुपीज, 13.85 लाख रुपीज आप लोग पे कर रहे हैं। तो साहब, ये एक बड़ा सब्सटैंशियल सम बन जाता है। कार, तभी ऑटो सेक्टर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ये एक गोल्ड माइन है गवर्नमेंट के लिए। और साहब, ये पिक्चर खत्म नहीं होती है, पिक्चर रिकरिंग है, बिकॉज एवरी ईयर आप कार का इंश्योरेंस प्रीमियम रिन्यू करवाएंगे, एवरी ईयर कार की आप सर्विस करवाएंगे, तो उसमें आप GST पे करते हैं। GST इज
पेबल ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम रिकरिंग, जीएसटी पेबल ऑन द सर्विस जो आप लेबर चार्जेस पे कर रहे हैं, जीएसटी पेबल ऑन द पार्ट्स जो आप सर्विस के करवाते हैं, और कभी लोन प्री क्लोज करेंगे उस पर भी जीएसटी पेबल होगा। और साहब कार चलती किस पे है, तेल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, यू नो द अमाउंट ऑफ टैक्सेस विच यू आर पेइंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल, आप लोगों को पता ही है 80 रुपीज़ अ लीटर पहुंच गया है पेट्रोल डीजल दिल्ली के अंदर, इन विच यू आर पेइंग इन ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ अ लीटर, दैट्स अ वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट। तो साहब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो किसी के मन में सवाल हो कि भाई कितने आप लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो जान लीजिए कार खरीदना इज लाइक एक कॉन्ट्रीब्यूशन, कह सकते हैं कि आप इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय पेइंग अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टैक्सेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, फाइंड द वीडियो यूजफुल, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माइकर हेल्पलाइन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।